हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 2024 में 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिनको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के, देखिए इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, इस इंग्लिश प्रोज के हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ आंसर पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, यानी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसको अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इस बार आपको इंग्लिश में 100 में 98-99 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाता रहूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा बस इतना पढ़ लो भैया, काम हो जाएगा। और आगे भी मैं आपको क्लासेस देता रहूंगा और दिया भी है मैंने क्लास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे बता दूं, मैं एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपके प्रोज में 8 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर से है। देखो पाठ का नाम है द लास्ट लेसन, चैप्टर आपका फर्स्ट है, ठीक है, तो समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन, जब चर्च क्लॉक, जो चर्च की घड़ी है, स्ट्रक 12, यानी कि जब उसमें 12 बजी, तो चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ, जब चर्च की घड़ी में 12 बजी तो क्या हुआ भैया, अरे भूकंप नहीं आया था, अभी आगे देखना। देखो क्या हुआ, द मोमेंट, यानी कि वो क्षण, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, ठीक है। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजी तो क्या हुआ, द प्रुशियन आर्मी, यानी कि प्रुशियन सेना ने, प्रशिया के सेना ने, केम टू टेक, यानी कि केम आए टू टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है, वो कब्जा करने के लिए आए। तो जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, द प्रुशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, प्रुशिया के सेना कब्जा करने आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड और एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल स्टूड अप, वो खड़े हो गए, एम हेमल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग, वांटेड वो चाहते थे टू टेल समथिंग, यानी कि कुछ बताना, बट लेकिन हिज वॉइस, उनकी जो आवाज है, वाज चोक्ड, चोक्ड का मतलब होता है अटक गई, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्रुशिया की आर्मी आई कब्जा करने, तो एम हेमल वहां पे खड़े हो गए और वो उनसे कुछ बताना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन जो उनकी आवाज है वो अटक गई, ठीक है। ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, यानी कि ही गेदर्ड, उन्होंने जुटाई हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, एंड और रोट ऑन, उन्होंने लिखा द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, एज लार्ज, एज जितना ज्यादा बड़ा हो सकता था ही कुड, वो कर सके, वीवे ला फ्रांस, यानी कि उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस, एंड और डिसमिस्ड द स्कूल, डिसमिस्ड का मतलब होता है छुट्टी कर देना, द स्कूल, स्कूल की। तो देखिए फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी ताकत जुटाई, ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, यानी कि जो एम हेमल जी हैं उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत अपना जुटाया, एंड रोट ऑन ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया एज लार्ज एज ही कुड, जितना ज्यादा बड़ा वो लिख सकते थे, वीवे ला फ्रांस, यानी कि वीवे ला फ्रांस, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी।
तो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ। द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 जब प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, यानी कि जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे प्रशिया की सेना कब्जा करने आ गई। एंड एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल खड़े हो गए। वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ बताना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी आवाज जो है वो अटक गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, वीवे ला फ्रांस एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और उन्होंने अपनी ताकत जुटाई और जितना बड़ा हो सके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया वीवे ला फ्रांस और स्कूल की छुट्टी कर दी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रांस और प्रुशिया के बीच जो युद्ध का है उस समय का ये लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, आपके चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर में आपके दिल्ली का जो सीमापुरी है उसके उसकी दयनीय स्थिति को बताया गया। इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो आपका जो दिल्ली में सीमापुरी है उसकी दयनीय स्थिति को बताया गया, एक जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को भी बताया गया। क्वेश्चन है कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। तो देखो सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व में, ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली की। तो सीमापुरी न्यू दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इट इज एन ओल्ड नाइबरहुड इनहैबिटेड बाई मोस्टली इमिग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर इन बांग्लादेश, यानी कि इट इज ये है एन ओल्ड नाइबरहुड, एक नाइबरहुड का मतलब क्या होता है बताइए, नाइबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड का मतलब होता है आप्रवासी, ठीक है सॉरी, इनहैबिटेड बाय मोस्टली इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी, फ्रॉम से अक्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर से इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के। तो ये जो इलाका है ये एक पुराना इलाका है, ठीक है, ये एक पुराना इलाका है जहां ज्यादातर बांग्लादेश में सीमा पार से आए आप्रवासी रहते हैं, इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी। तो सीमापुरी जो है ये दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में स्थित है, मतलब सीमापुरी नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये एक पुराना इलाका है जहां ज्यादातर बांग्लादेश से सीमा पार से आए आप्रवासी रहते हैं। दिस प्लेस, ये जो जगह है, इज होम, वो घर भी है, टू सेवरल रैक पिकर, यानी कि कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। तो ये जगह कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए घर भी है, मतलब कुछ कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं सीमापुरी में घर बनाकर रहते हैं, मतलब तंबू तान लेते हैं भाई, वहीं पर रहते हैं। दे अर्न दियर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, दे अर्न, वे कमाते हैं, दियर डेली ब्रेड, अपना रोज का खाना, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, आप रैक पिकिंग, रैक पिकिंग मतलब होता है कूड़ा बीनकर, वे कूड़ा बीनकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं भैया डेली का। द फिल्थी वायलेंस हैव रिमाइंड अनअटेंडेड फॉर लॉन्ग, द फिल्थी वायलेंस यानी कि जो गंदी गलियां होती हैं हैव रिमाइंड, वो बची हुई हैं, ठीक है, अनअटेंडेड, उन पर ध्यान नहीं दिया रहा है फॉर लॉन्ग, लंबे समय से। तो गंदी गलियों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहां पे जो गलियां हैं वो गंदी हैं, पानी जाने के लिए जगह नहीं है, सीवेज का भी कोई प्रॉब्लम का जगह नहीं है। देखिए पावर्टी इज वाइडली प्रीवेलेंट इन दिस एरिया, पावर्टी जो गरीबी है इज वाइडली यानी कि वो व्याप्त है, प्रीवेलेंट, ठीक है, इन दिस एरिया यानी कि इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में गरीबी जो है वो व्यापक रूप से व्याप्त है, ठीक है, काफी ज्यादा गरीबी है। ठीक, तो एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन था कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। तो देखिए सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, सीमापुरी जो है वो नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इट इज एन ओल्ड नाइबरहुड इनहैबिटेड बाई मोस्टली इमिग्रेंट फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर इन बांग्लादेश, यानी कि ये एक पुराना इलाका है जहाँ ज्यादातर बांग्लादेश में सीमा पार से आए आप्रवासी रहते हैं। दिस प्लेस इज होम टू सेवरल रैक पिकर्स, ये जो स्थान है ये कई कचरा बीनने वाले लोगों का घर भी है। दे अर्न दियर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, वे कूड़ा बीनकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। द फिल्थी वायलेंस हैव रिमेंड अनअटेंडेड फॉर लॉन्ग, गंदी गलियां जो है सीमापुरी में उस पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पावर्टी इज वाइडली प्रीवेलेंट इन दिस एरिया, और इस क्षेत्र में गरीबी व्यापक रूप से व्याप्त है, काफी ज्यादा गरीबी भी है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा, सेकेंड चैप्टर से एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे थर्ड चैप्टर डीप वाटर से है। देखो क्या होता है इसमें,
क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रोनिंग इन डीप वाटर, यानी कि व्हाट क्या डिड द ऑथर ने थिंक सोचा व्हेन जब ही वाज ड्रोनिंग वो डूब रहे थे इन डीप वाटर गहरे पानी में। तो जब हमारे राइटर जी गहरे पानी में डूब रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है देखो डगलस जी हैं, तो व्हेन डगलस वाज थ्रोन इन टू द डीप वाटर ऑफ द पूल, यानी कि व्हेन जब डगलस वाज थ्रोन उनको फेंक दिया गया इन टू डीप वाटर यानी कि गहरे पानी में ऑफ द पूल, पूल तालाब के, तो जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया गया ही वाज टेरिफाइड, वो घबरा गया था, ठीक है बहुत ज्यादा घबरा गया था। कोई आपको मान लीजिए कोई भी है उसको अगर अचानक पानी में फेंक दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगा, घबरा जाएगा। ही न्यू डैट, वो जानता था कि दैट कि ही वाज गोइंग टू ड्रोन यानी कि ही वाज वो जा रहा है गोइंग टू ड्रोन यानी कि डूबने, तो वो जानता था कि वो डूबने वाला है एज क्योंकि ही डिड नॉट, वो नहीं जानता था, नो जानता था टू स्विम यानी कि तैरना, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था, उसे पता था मैं डूब सकता हूँ इसलिए उसको तैरना भी नहीं आता था। तो जिसको तैरना नहीं आएगा भाई पानी में उसको ढकेल दिया जाएगा गहरे पानी में तो वो डूब ही जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा ऑफ ये स्ट्रेटजी, एक रणनीति, जैसे कोई भी पानी में डूब रहा है तो वो कोई रणनीति बनाएगा कि भाई किसी तरह अगर बाहर चले जाते मजा आ जाता, ठीक है। तो सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा ऑफ ये स्ट्रेटजी, एक रणनीति टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए एक रणनीति सोची। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया दैट कि एज हिज फीट, जो उसके पैर हैं हिट, वो हिट करेंगे, हिट का मतलब होगा लगाएंगे, ठीक है पड़ेंगे द बॉटम, सतह पर ऑफ द पूल, पूल के, यानी कि उसने ऐसी, उसने फैसला किया कि जैसे उसके पैर पूल के तल पर पड़ेंगे, जो बॉटम होता है, जैसे आप लोग सोचेंगे कोई भी मान लीजिए डूब रहा हो वो सोचेगा कि सबसे जो बॉटम है पानी का उस पर खूब तेजी से जाएं और पैर मारे ताकि हम ऊपर की तरफ उछलें, ठीक है, और ऊपर आएंगे तो हो सकता है हम बच जाएं, ठीक है कोई देख ले बचा ले। He would make a big jump, फिर उसने सोचा कि he would, वो करेगा make a big jump, एक बड़ी छलांग, फिर उसने सोचा कि वो एक बड़ी छलांग लगाएगा and और come to the surface, और सतह पर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं पानी के बॉटम तक जाऊंगा, वहां पैर मारूंगा, ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा, भाई रणनीति थी, तैरना नहीं आता था। Then, ठीक है, तब he would swim to the edge of the pool, यानी कि he would, he would swim यानी कि वो तैर कर to the edge यानी कि किनारे of the pool यानी कि तालाब के, फिर वो तैर कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाता, उसने ऐसा सोचा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था भैया कि what did the author think when he was drowning into the deep water, in the deep water, यानी कि जो लेखक है उन्होंने क्या सोचा जब वो पानी में डूब रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा देखो, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल, जब डगलस को तालाब के गहरे पानी में फेंक दिया गया ही वाज टेरिफाइड, वो बहुत ज्यादा घबरा गया। ही न्यू डैट ही वाज गोइंग टू ड्रोन एज ही डिड नॉट नो टू स्विम, यानी कि वो जानता था कि वो डूबने वाला है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, ठीक है वो तैरना नहीं जानता था। सो ही थॉट ऑफ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए एक रणनीति सोची। ही डिसाइडेड डैट एज हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल ही वुड मेक ए बिग जंप एंड कम टू द सर्फेस, और उसने फैसला किया कि जैसे उसके पैर पूल के तल पर बॉटम पर पड़ेंगे वो एक बड़ी छलांग लगाएगा और सतह पर आ जाएगा। देन ही वुड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो तैरकर तालाब के किनारे आ जाएगा, ऐसा उसने सोचा कि ये आइडिया लगाकर मैं जो है डूबने से बच सकता हूं। तो ये आपका होगा भैया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे चैप्टर 4 से होगा, द रैट ट्रैप से। एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं और ये कोई नया वीडियो नहीं, आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चर, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, सबको देखो अच्छे से पढ़ो तभी अच्छा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रैट ट्रैप चैप्टर से है, चूहेदानी आपने सुना होगा, ठीक है चूहे पकड़ते हैं। देखो व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि व्हाट क्या डाउट, संदेह, डाउट का मतलब होता है संदेह या शक हम कह सकते हैं, ठीक है। डिड एडला को हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि फेरी वाले के बारे में, फेरी वाला, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, तो फेरी वाले के बारे में एडला को क्या संदेह थे,
क्या डाउट थे उसके बारे में, देखो सी नोटिस्ड, उसने देखा, उसने नोटिस किया दैट कि द पेडलर फेरी वाला वाज अफ्रेड, वो डर गया था। तो उसने देखा कि जो फेरी वाला है वो डर गया था या डरा हुआ था। इट मीन्ट, इसका मतलब था दैट कि ही हैड आइदर स्टोलन, ही हैड, उसने या तो, आइडर का मतलब होता है या तो, स्टोलन कुछ चुराया है, समथिंग कुछ चुराया है, और या ही हैड इसके फ्रॉम जेल, या फिर ही हैड, वो चाहता है इसके बचना फ्रॉम जेल, जेल से। तो एडला को फेरी वाले पर संदेश लिए हुआ क्योंकि उसने नोटिस किया कि जो फेरी वाला है बहुत डरा हुआ है। इसका मतलब था कि या तो उसने कोई चीज चुराई है या फिर वो जेल से भाग गया है। सी आल्सो थॉट, उसने ये भी सोचा दैट कि ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन, ही वॉज, वो था नॉट, नहीं, एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित आदमी, एंड और सो, इसलिए ही कुड नॉट बी हर फादर ओल्ड कमरेड, यानी कि ही कुड नॉट, वो नहीं हो सकता था हर फादर, अपने पिताजी का ओल्ड कमरेड, पुराना साथी। तो उसने ये भी सोचा कि वो एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था और इसलिए वो उसके पिता का पुराना साथी भी नहीं हो सकता था। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, यानी कि फेरी वाले के बारे में एडला को क्या संदेह था, ठीक है। तो सी नोटिस दैट द पेडलर वाज अफ्राइड, वो एडला ने नोटिस किया या उसने नोटिस किया कि जो फेरी वाला है बहुत ज्यादा डर गया है। इट मीन्ट दैट ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग और ही हैड इसके फ्रॉम जेल, यानी कि इसका मतलब ये था कि या तो उसने कोई चीज चुराई है या फिर वो जेल से भाग गया। सी also थॉट दैट ही was नॉट एन एजुकेटेड मैन, उसने ये भी सोचा कि वो एक शिक्षित व्यक्ति नहीं था, एंड सो ही कुड नॉट बी हर फादर ओल्ड कमरेड, इसलिए वो उसके पिता का पुराना साथी भी नहीं हो सकता था। तो इसीलिए उसको संदेह था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा रहेगा तो संदेह रहेगा कि आखिर इसने कुछ गलत काम किया होगा, तभी ये बहुत ज्यादा डर चुका है, ठीक है। तो ये आपका होगा चैप्टर 4 द राइट ट्रैप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, और इस चैप्टर को आपने तो पढ़ा होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिगो चैप्टर 5। देखो कहा कि व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, यानी कि व्हाई, क्यों इज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है वर्णित करना, वर्णित किया, एज बीइंग एक रूप में रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है आप लोग खुद बताएं, दृढ़ निश्चयी जिसको बोलते हैं। तो राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी के रूप में वर्णित क्यों किया गया है, आखिर वो दृढ़ निश्चयी क्यों है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी बोल सकते हैं। देखो राजकुमार शुक्ला जी जो है, ही वॉज नॉट लिटरेट, ही वॉज, वो थे नॉट, नहीं, लिटरेट पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट लेकिन रिजोल्यूट, वो दृढ़ निश्चयी थे, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, कौन, राजकुमार शुक्ला। ही हैज कम टू द कांग्रेस सेक्शन टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ही हैज कम, वो आया है टू द कांग्रेस सेक्शन, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में, टू कंप्लेन शिकायत करने, अगेंस्ट के खिलाफ, द इनजस्टिस अन्याय ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदारी सिस्टम प्रथा इन बिहार, बिहार के। तो वो जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने आया है, ठीक है। ही एकम्पेनाइड, वो जो है वो साथ जाता था हिम एवरीव्हेयर, ठीक है, ही एकम्पेनाइड हिम एवरीव्हेयर, यानी कि वो हर जगह उसके साथ जाता था, ठीक है। ही वेटेड टिल गांधी जी फ्री, ही वेटेड, उसने इंतजार किया टिल, जब तक गांधी जी फ्री आजाद नहीं होते, तो उन्होंने गांधी जी के फ्री होने तक इंतजार किया कि जब वो फ्री होंगे हम उनको ले जाएंगे, अपने गाँव की स्थिति दिखाएंगे चंपारण की। गांधी जी वाज इंप्रेस्ड बाई हिज Tenacity and finally bent with him to Bihar. तो गांधी जी क्या होते हैं, जब वो उनका वेट करते हैं गांधी जी का, तो गांधी जी जो है, गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड, गांधी जी जो है प्रभावित हुए बाई हिज टीनेसिटी, टीनेसिटी का मतलब होता है उसकी दृढ़ता, टीनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, हिज टीनेसिटी का मतलब होता है उसकी दृढ़ता, एंड फाइनली, और अंततः बेंट विथ हिम टू बिहार, और वो उनके साथ बिहार चले गए। तो गांधी जी उनकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और अंततः उनके साथ बिहार चले गए। तो क्वेश्चन आपका था ऊपर
कि व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, यानी कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चयी के रूप में वर्णित क्यों किया गया है। तो ही वॉज नॉट लिटरेट बट रिजोलेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। ही हैज कम टू द कांग्रेस सेक्शन टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, उन्होंने वो जो है कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने आए हैं। ही अकंपनाइड हिम एवरीवेयर, वो हर जगह उसके साथ जाता था। ही वेटेड टिल गांधी जी फ्री, उसने गांधी जी के फ्री होने तक इंतजार किया। गांधी जी वाज इंप्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी एंड फाइनली बेंट विथ हिम टू बिहार, और गांधी जी भी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और अंततः उनके साथ बिहार चले ही गए। ठीक है, तो ये आपका होगा इंडिगो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे 6 नंबर चैप्टर से है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, और चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझिए कि जो आगे के चैप्टर्स हैं वही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, जिसको लिखा है अशोका, ठीक है, अशोका मित्रन ने। तो इसको इसमें देखो क्या, व्हाट कॉज्ड, यानी कि क्या कारण रहा द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लैक का मतलब होता है अभाव, ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, ठीक है, बिटवीन के बीच द इंग्लिश मैन, यानी कि अंग्रेज, एंड और द पीपुल ऑफ जैमिनी स्टूडियो, यानी कि जैमिनी स्टूडियोज के लोगों के बीच। तो अंग्रेज और जैमिनी स्टूडियोज के लोगों के बीच संप्रेषण के अभाव का क्या कारण रहा, आखिर क्यों अभाव था, ठीक है। तो देखो, पीपुल एट द जर्मन स्टूडियोज कुड नॉट नो, यानी कि पीपुल, वे लोग एट द जर्मन स्टूडियो, जर्मन स्टूडियोज के, कुड नॉट नो, वो नहीं जान सके, व्हाट, क्या, द इंग्लिश मैन, अंग्रेज, वाज टॉकिंग अबाउट, वो बात कर रहे हैं। तो जर्मन स्टूडियो में लोग नहीं जान सके कि अंग्रेज किस बारे में बात कर रहा है। हिज पेक्युलायर एसेंट मेड थिंग डिफिकल्ट फॉर द पीपल, यानी कि हिज पेक्युलायर एसेंट, पेक्युलायर एसेंट का मतलब होता है जो अजीबो गरीब लहजा होता है, ठीक है, आपने सुना होगा अजीबो गरीब लहजा। तो हिज पेक्युलायर एसेंट, उसका जो अजीबो गरीब लहजा था, मेड, वो बनाता है थिंग्स, चीजों को डिफिकल्ट, कठिन, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो उनके अजीबो गरीब लहजे ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी। दे ऑल हैड टू डिस्पर्स इन अटर बैफलमेंट, यानी कि दे, वे जो हैं, ठीक है, उन सभी, वे जो हैं, दे ऑल, उन सभी हैड टू डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर होना, इन अटर, ठीक है, परेशान होकर, बैफलमेंट, ठीक है, परेशान होकर, तो उन सभी को बहुत परेशान होकर तितर बितर होना पड़ा, ठीक है। तो यही आपका था क्वेश्चन, था कि व्हाट कॉज्ड द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जैमिनी स्टूडियोज, यानी कि लेखक, अंग्रेज तथा जैमिनी स्टूडियोज के लोगों के बीच संप्रेषण के अभाव का क्या कारण रहा। तो पीपल एट द जर्मन स्टूडियोज कुड नॉट नो व्हाट द इंग्लिश मैन वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी कि जैमिनी स्टूडियोज के लोग नहीं जान सके कि अंग्रेज किस बारे में बात कर रहे हैं। हिज पेक्युलियर एसेंट मेड थिंग डिफिकल्ट फॉर द पीपल, उनके अजीबो गरीब लहजे ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दे आल हैड टू डिस्पर्स इन अटर बैफलमेंट, यानी कि उन सभी को बहुत परेशान होकर टितर बितर होना ही पड़ा, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 6 का क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे चैप्टर 7 से होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, यहां पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमने वही क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लाएंगे। देखो ये हमारे जो इंटरव्यू चैप्टर, द इंटरव्यू, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, हाउ कैन बी से दैट अम्बर्टो इको हैड ए वाइड रेंज ऑफ राइटिंग, यानी कि हाउ, कैसे, कैन बी से हम कह सकते हैं दैट कि अम्बर्टो इको हैड, ये उनके पास है ये वाइड रेंज। वाइड रेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइड रेंज का मतलब होता है कैसे कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको के लेखन में काफ़ी विविधता, ठीक है, ऑफ राइटिंग लेखन में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको के लेखन में काफ़ी विविधता थी, ठीक है,
समझ में आया, वाइड रेंज का मतलब होता है काफी विविधता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको के लेखन में जो उन्होंने लिखा उसमें काफी ज्यादा विविधता थी, या वे अनेक विधाओं में लिख सकते थे। मतलब जो अम्बर्टो इको हैं ये अनेक विधाओं में लिख सकते थे। कई विधाएं होती हैं, जैसे आपको पता ही है कथा साहित्य और भी बहुत सारी चीजें। तो देखो ये भाई विदेशी हैं। तो अम्बर्टो इको वाज एन एक्सपर्टाइज इन सेमियोटिक्स एंड अदर देन दिस ही स्टार्टेड टू राइट फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन यहाँ पे रहेगा, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एक्सेज, चिल्ड्रेंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल ईटीसी। मतलब ये कई विधाओं में लिखते थे। तो देखिए अम्बर्टो इको, जो अम्बर्टो इको हैं एंड एक्सपर्टाइज, वो जो है एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, विशेषज्ञ, ठीक है। तो एक्सपर्टाइज का मतलब होता है विशेषज्ञता। तो अम्बर्टो इको के पास विशेषज्ञता थी इन सेमियोटिक्स, यानी कि सेमियोटिक्स का मतलब क्या होता है, सांकेतिकता में एंड अदर देन और अन्य में भी। दिस ये ही स्टार्टेड टू राइट, उन्होंने लिखना शुरू किया, जैसे फिक्शन जो कथाएं होती हैं, लिटरेरी फिक्शन मतलब कथा साहित्य, एकेडमिक टेक्स्ट का मतलब होता है जो एकेडमिक ग्रंथ हैं, एस्से निबंध, चिल्ड्रेंस बुक बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, आर्टिकल यानी कि पत्र लेख ईटीसी आदि, ठीक है। तो अम्बर्टो इको जो है, अम्बर्टो इको वाज एन एक्सपर्टाइज इन सेमियोटिक्स, यानी कि अम्बर्टो इको जो है वो जो है सांकेतिकता में उनकी विशेषज्ञता थी, मतलब वो सांकेतिकता के बारे में ज्यादा लिखते थे। एंड और अदर देन दिस ही स्टार्टेड, और जो है उन्होंने अन्य कई चीजों को भी लिखना शुरू किया, जैसे टू राइट फिक्शन यानी कि कथा, लिटरेरी फिक्शन कथा साहित्य, एकेडमिक टेक्स्ट यानी कि अकादमिक ग्रंथ, एस्से निबंध, चिल्ड्रेंस बुक बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, आर्टिकल आदि, ये सब भी लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। सो हिज वर्सैलिटी इन राइटिंग कैन बी इजिली अंडरस्टूड। सो इसलिए हिज वर्सैलिटी, वर्सैलिटी का मतलब होता है उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है इन राइटिंग, लेखन में, कैन बी इजिली उसको आसानी से अंडरस्टूड समझा जा सकता है। इसलिए लेखन में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को आसानी से समझा जा सकता है। वर्सैलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ कैन बी से दैट अम्बर्टो इको हैड ए वाइड रेंज ऑफ राइटिंग, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको के लेखन में काफी विविधता थी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को अभी पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए अम्बर्टो इको वाज एन एक्सपर्टाइज इन सेमियोटिक्स, यानी कि अम्बर्टो इको जो हैं वो सांकेतिकता में उनकी विशेषज्ञता थी, सांकेतिकता, ठीक है। एंड अदर देन दिस ही स्टार्टेड, और उन्होंने कई और चीजें लिखना प्रारंभ किया, राइट फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एस्से, चिल्ड्रेंस बुक्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल ईटीसी, और उन्होंने जो है साहित्य, इसके अलावा उन्होंने कथा साहित्य, कथा, अकादमिक ग्रंथ, निबंध, बच्चों की किताबें, समाचार पत्र आदि लिखना भी शुरू किया, ठीक है। सो हिज वर्सैलिटी इन राइटिंग कैन बी इजिली अंडरस्टूड, इसलिए उनकी लेखन की जो बहुमुखी प्रतिभा है उसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन 7 नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर 8 का। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का है, ये हमारा प्रोज का लास्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन भी हमारा लास्ट है। देखो क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, ये किस चैप्टर का होगा आप ही लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गोइंग प्लेसेस। देखो डू यू थिंक यानी कि आप, क्या आपको लगता है दैट की सोफीज मीटिंग, जो सोफी की मीटिंग है विद डैनी, डैनी के साथ, एक्चुअली वो वास्तव में हैपेंड हुआ था, और या फिर इट वाज जस्ट ये पार्ट, ये एक भाग है ऑफ हर इमेजिनेशन, उनकी कल्पना का। तो क्या आपको लगता है कि सोफी की डैनी से मुलाकात वास्तव में हुई थी, या ये उसकी कल्पना का ही एक हिस्सा है? ऐसा नहीं है, ये कल्पना का ही हिस्सा भी। देखना It appeared possible, यानी कि it appeared, ये ऐसा प्रतीत हुआ, possible संभव, that कि Danny might have met, Danny जो है उनकी मुलाकात हुई होगी with Sophie, Sophie के साथ at the arcade में। तो ऐसा संभव प्रतीत हुआ कि Danny की मुलाकात Sophie से आर्केड में हुई होगी। इट ऑल्सो appeared possible, यानी कि ये भी संभव लग रहा था, they might have टाक ये बिट, यानी कि दे माइट है वे करेंगे टाक बात ए बिट कुछ क्षण के लिए, तो ऐसा भी लगा कि उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की होगी,
मतलब ये भी संभव लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की होगी, वो मिलेंगे भी, बट इट डिड नॉट अपीयर टू बी पॉसिबल, बट लेकिन इट डिड नॉट अपीयर, ये नहीं लग रहा था टू बी पॉसिबल संभव, दैट की डैनी वुड हैव कॉल्ड हर टू मीट द नेक्स्ट बिट, डैनी वुड हैव वो कॉल्ड, वो बुलाएंगे हर उन्हें उसे टू मीट, मिलने के लिए द नेक्स्ट बीट अगले हफ्ते में, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि डैनी उसे अगले हफ्ते में मिलने के लिए बुलाता। द लास्ट पार्ट ऑफ हर स्टोरी, यानी कि इस कहानी का जो अंतिम भाग है, इज हाईली इम्प्रोबेबल, यानी कि वो अत्यधिक असंभव है, तो उसकी कहानी का अंतिम भाग अत्यधिक असंभव है। इट वॉज जस्ट ए पार्ट, ये एक सिर्फ भाग था ऑफ हर इमेजिनेशन, उसकी कल्पना का, तो ये उसकी कल्पना का सिर्फ एकमात्र हिस्सा ही था, ये रियल नहीं था। तो क्वेश्चन आपका था कि डू यू थिंक दैट सोफी मीटिंग विद डैनी एक्चुअली हैपिंग हैपेंड और इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, यानी कि क्या आपको लगता है कि सोफी की डैनी से मुलाकात वास्तव में हुई थी या ये उसकी कल्पना का ही एक हिस्सा था। तो ये कल्पना का ही हिस्सा सा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर हम लिख देंगे। इट अपीयर्ड पॉसिबल दैट डैनी माइट हैव मेट विथ सोफी एट द आर्केड, यानी कि ऐसा संभव प्रतीत हुआ कि डैनी की मुलाकात सोफी से आर्केड में हुई होगी। इट आल्सो अपीयर्ड पॉसिबल दे माइट हैव टॉक्ड ये बिग, और ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की होगी। बट इट डिड नॉट अपीयर टू बी पॉसिबल दैट डैनी वुड हैव कॉल्ड हर टू मीट द नेक्स्ट वीक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने कि डैनी उसे अगले हफ्ते मिलने के लिए बुलाता। द लास्ट पार्ट ऑफ हर स्टोरी इज हाईली इम्प्रोबेबल, यानी कि इस कहानी का अंतिम भाग अत्यधिक असंभव है। इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, और यह जो है उसकी कल्पना का एकमात्र हिस्सा ही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारे लास्ट चैप्टर से होगा। तो आज की इस क्लास में हमारे क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के सारे क्वेश्चन पढ़े। देखिए, ये मैंने उन क्वेश्चन को बताया है जो अब तक मैंने आपको नहीं बताया था, इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुका हूं, उसको सर्च करोगे आ जाएगा, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जाकर देखो क्या कर रहे हो। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।